आज के क्लास में हम कवर करेंगे ऑर्थो इफेक्ट का SIR टॉपिक। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग ऑर्थो इफेक्ट कवर कर रहे थे और ऑर्थो इफेक्ट में लास्ट क्लास हम लोग कौन सा इफेक्ट कवर कर चुके हैं, तो SIP इफेक्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। SIP उसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो उस इफेक्ट को हम किस सिस्टम के लिए स्टडी करते हैं? तो एनिलीन सिस्टम के लिए हम लोग स्टडी किया था। ठीक है, तो हम लोग SIP इफेक्ट कवर कर चुके हैं। सेम ऑर्थो इफेक्ट के अंदर एक और इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं SIR इफेक्ट। क्या बोलते हैं? SIR इफेक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? S फॉर स्टेरिक, I फॉर इनहिबिशन और R फॉर रेजोनेंस, यानी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, इस इफेक्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो किस सिस्टम के लिए स्टडी करेंगे? तो आपको बताया गया इसको स्टडी करना आपको NN डाइमिथाइल एनिलीन सिस्टम के लिए इसको आपको पढ़ना है। यानी ये जो इफेक्ट हम लोग कवर करेंगे किस सिस्टम के लिए? तो NN डाइमिथाइल एनिलीन सिस्टम को हम लोग कवर करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, तो ध्यान देना। तो NN डाइमिथाइल एनिलीन होता क्या है? तो उसके लिए आपको उसका डायग्राम बना के हम दिखा चुके हैं नीचे, इसको हम बोलते हैं NN डाइमिथाइल एनिलीन। आपको दिख रहा होगा ये जो फिगर बना हुआ है, इसका नाम होता है NN डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको पढ़ रहे हैं SIR इफेक्ट। तो SIR इफेक्ट का स्टेटमेंट क्या होता है? तो ध्यान देना, इसका स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, तो ध्यान से सुनना। तो स्टेटमेंट आपको बोला गया है, ठीक है, कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, तो स्टेटमेंट ध्यान क्या लिखा हुआ है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड NN डाइमिथाइल एनिलीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड NN डाइमिथाइल एनिलीन इज मोर बेसिक देन NN डाइमिथाइल एनिलीन एंड इट्स मेटेन पैराइसोमर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किया हुआ ऊपर में फिगर, एक क्या है NN डाइमिथाइल एनिलीन है, एक क्या है उसके ऑर्थो पे जी ग्रुप लगा हुआ है, उसके मेटा पे जी ग्रुप लगा हुआ है एंड उसके पारा पे एक जी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो NN डाइमिथाइल एनिलीन है, उसके साथ क्या है ऑर्थो मेटा एंड पारा में एक हम जी ग्रुप को ऐड कर दिए। ठीक है, और बोला गया इन चारों का बेसिटी अगर कंपेयर करना आपको हो, अगर आपको इन चारों का बेसिटी कंपेयर करना है तो बाय डिफॉल्ट क्या करना है आपको, जो ऑर्थो वाला है यानी जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड NN डाइमिथाइल एनिलीन आपके पास होता है उसका बेसिटी इंक्रीज कर जाएगा बाकी तीनों के रिस्पेक्ट में। यानी बोलने का मेरा मतलब क्या है कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है ऑर्थो वाला, ठीक है, तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड NN डाइमिथाइल एनिलीन इज मोर बेसिक देन NN डाइमिथाइल एनिलीन एंड इट्स मेटा एंड पारा आइसोमर्स। ठीक है, ये आपको सेट करना है। ठीक, इसी में एक और स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि अगर हमको मेटा एंड पारा आइसोमर में कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ ध्यान देना। तो अगर आपको कंपेयर करना हो ठीक है, मेटा एंड पारा आइसोमर्स एंड NN डाइमिथाइल एनिलीन को, तो उसके लिए क्या बोला हुआ है ध्यान देना, टू कंपेयर बेसिसिटी ऑफ NN डाइमिथाइल एनिलीन एंड इट्स मेटा एंड पारा आइसोमर्स यू हैव टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ ग्रुप जी, यानी जो जी ग्रुप है उसका इफेक्ट को आपको फोकस करना पड़ेगा कि जी का एम इफेक्ट कैसा है, प्लस एम है कि माइनस एम है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली जी ग्रुप का आई इफेक्ट कैसा होगा, प्लस आई है कि माइनस है, उसके बेसिस पे आप उसको कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्थो वाले को हमेशा बेसिक कर देना, उसमें कोई दो राय नहीं है, ऑर्थो वाला हमेशा ज्यादा बेसिक हो जाएगा। मेटा एंड पारा एंड NN डाइमिथाइल एनिलीन अगर इन तीनों को कंपेयर करना होगा, यानी बाकी तीनों को कंपेयर करना होगा, तो आपको जी ग्रुप का टाइप देखना पड़ेगा, जी ग्रुप का एम कैसा है, जी ग्रुप का आई कैसा है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है तो इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ध्यान देंगे।
यहाँ ध्यान दोगे आपको लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन ऑफ एस आई आर इफेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ एस आई आर इफेक्ट। तो ध्यान देना, जैसे आप जी ग्रुप को अटैच करते हो ना, जैसे आप जी ग्रुप को अटैच करते हो तो उससे पहले ध्यान देना, ये आपके पास क्या है एन एन डाइमिथाइल एनिलीन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जो देखोगे आपके पास लोन पेयर है, यहाँ पे आपके पास क्या है लोन पेयर है, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो अगर ये रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, आपका जो लोन पेयर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो आपको लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है, उसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी नाइट्रोजन पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि लोन पेयर कहाँ जा रहा है, रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो रिंग के साथ अगर रेजोनेंस करेगा तो आपका जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि एन सेंटर का जो रेजोनेंस है, एन सेंटर का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रेजोनेंस करेगा विद बेंजीन रिंग। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो दिस रेजोनेंस, जो रेजोनेंस हम करने वाले हैं, डिक्रीज करता है, क्या डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, एन सेंटर पे, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बेसिसिटी भी डिक्रीज करता है, बेसिसिटी भी डिक्रीज करेगा, बेसिसिटी भी आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मान लो ए तो हम लोग पढ़ लिए एन एन डाइमिथाइल एनिलीन में ऐसा होने वाला है, ठीक है। अब पॉइंट समझो कि अगर मान लो कि ऑर्थो पे अगर ग्रुप कोई अटैच कर देगा तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, अगर ऑर्थो पे हम कोई ग्रुप अटैच करते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, अभी जान लो आप लोग, ध्यान देना। तो यहां पे पहले आपको समझाया हुआ है कि आखिर रेजोनेंस करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, जो बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जा रहा था रेजोनेंस में, उसका कुछ कंडीशन चाहिए। तो कंडीशन क्या बोला गया कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है जिस ऑर्बिटल में, ठीक है, तो यहां देखो ऑर्बिटल ड्रॉ किया हुआ है, और जो बेंजीन रिंग का जो कार्बन है जो अटैच, उस पर भी एक ऑर्बिटल होगा, तो ये दोनों ऑर्बिटल सेम प्लेन में होना चाहिए तभी रेजोनेंस होगा। तो क्या होता है एन एन डाइमिथाइल एनिलीन में बोथ ऑर्बिटल जो है वो क्या होगा, सेम प्लेन में होता है, तो क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्टिव होता है, रेजोनेंस इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर अगर आप जी ग्रुप को डाल दो, अगर आप जी ग्रुप को अटैच कर दो, अगर आप जी ग्रुप को अटैच कर दो, तो जी ग्रुप और जो नाइट्रोजन का जो ग्रुप है, जो एन एन डाइमिथाइल है, ठीक है, तो आपके पास एन एन डाइमिथाइल है, ठीक, और क्या है, आपके पास एक जी ग्रुप आ गया, जी ग्रुप आ चुका है, आपके पास एक जी ग्रुप आ चुका है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इंपैक्ट क्या पड़ता है, ध्यान देना। तो आपका जो जी ग्रुप है और जो ये जो आपके पास यहाँ दिख रहा होगा एन एन डाइमिथाइल ग्रुप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इन दोनों में रिपल्सन होता है, इन दोनों में स्टेरिक रिपल्सन होता है। तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन जो एन एन डाइमिथाइल ग्रुप है उसका प्लेन और जी ग्रुप का प्लेन चेंज करेगा, ठीक है, दोनों का प्लेन क्या होगा, आपस में चेंज करेगा। अगर सेम प्लेन में होगा तो दोनों टकराएगा आपस में, दोनों में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन से बचने के लिए क्या होता है, दोनों का प्लेन ब्रेक करता है। तो बिगनिंग में क्या है, बिगनिंग में जो जी ग्रुप का प्लेन है और जो एन एन डाइमिथाइल का प्लेन है सेम था, और दोनों का प्लेन क्या होगा, बेंजीनिंग का प्लेन से मैच करेगा, यानी बेंजीनिंग का जो प्लेन है वही प्लेन इन दो ग्रुप का था। अब जैसे ही जी ग्रुप से रिपल्सन होना स्टार्ट होगा तो एन एन डाइमिथाइल ग्रुप अपना अगर प्लेन छोड़ेगा, मतलब दोनों प्लेन छोड़ता है, दोनों ग्रुप प्लेन छोड़ता है, तो दोनों ग्रुप अपना प्लेन छोड़ेगा, तो दोनों का प्लेन अब जो है वो बेंजीनिंग के प्लेन से डिफर कर गया, यानी रिंग का प्लेन से क्या होगा, हट चुका है। अगर रिंग का प्लेन से हटेगा तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था जो रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा था उसका रेजोनेंस कनेक्शन ब्रेक कर जाएगा। क्यों, तो जो फिनाइल रिंग है उसके साथ उसका रेजोनेंस कनेक्शन ब्रेक कर जाएगा। क्यों ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि जो प्लेनर फिगर था, ये रेजोनेंस होने के लिए दोनों का ऑर्बिटल प्लेन में होना चाहिए, रेजोनेंस होने के लिए दोनों का ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए था, नाइट्रोजन का और रिंग का कार्बन का। अब क्या है, जैसे ही तुम्हारा जी ग्रुप आएगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो क्या होगा, एन एन डाइमिथाइल जो ग्रुप है आपको पास दिख रहा है ये अपना प्लेन छोड़ेगा, जो प्लेन छोड़ेगा तो रिंग के साथ इसका प्लेन, ऐसा प्लेन हट चुका होगा, यानी रिंग के साथ प्लेनर नहीं होगा। रिंग के साथ अगर प्लेनर नहीं होगा तो रिंग के साथ जो रेजोनेंस हो रहा था बेंजीन रिंग के साथ वो भी ब्रेक कर जाएगा। तो अगर रिंग के साथ रेजोनेंस ब्रेक करेगा तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आपका जो लोन पेयर है, लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन, जो लोन पेयर था नाइट्रोजन पे उसका डीलोकलाइजेशन भी डिक्रीज करेगा, अब डीलोकलाइजेशन डिक्रीज करेगा इसका मतलब क्या, चलो अगर हम बात करते हैं डीलोकलाइजेशन डिक्रीज करेगा इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी था नाइट्रोजन पे वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपके पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
जो है नाइट्रोजन पे वही का वही रहेगा, तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में आपका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो था डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज नहीं होगा। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आपका बेसिसिटी, आपको बेसिसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, आपको बेसिसिटी को इंक्रीज कर देगा। अब इसका बात समझो कि जितना बड़ा साइज होगा जी ग्रुप का, जितना बड़ा साइज होगा जी ग्रुप का, उतना ही क्या होगा SIR इफेक्ट का इफेक्ट, SIR इफेक्ट का क्या इंक्रीज करेगा, उतना ही क्या होगा स्टेरिक रिपल्शन इंक्रीज करेगा, उतना ही क्या होगा आपका जो NN डाइमिथाइल है वो रिंग के प्लेन को छोड़ेगा, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आपका लोन पर जो नाइट्रोजन का है वो रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, तो अल्टीमेट इंपैक्ट क्या पड़ेगा बेसिसिटी पे, आपका बेसिसिटी इंक्रीज करेगा, आपका बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। तो ये चीज समझना, जितना बड़ा जी ग्रुप होगा उतना बेसिसिटी में इंक्रीज होता है, उतना बेसिसिटी में क्या होता है बच्चों, इंक्रीज करता है। क्यों करता है आप लोग को लॉजिक समझ आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसी को ऑर्बिटल पिक्चर से समझाया आपको, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम ऑर्बिटल पे फोकस करके बताया आपको, तो ध्यान देना यहाँ देखोगे, यहाँ पे ऑर्बिटल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे ऑर्बिटल ड्रॉ किया हुआ है, तो बताया हुआ है कि जब SIR इफेक्ट होगा किसके कारण, इस जी ग्रुप के कारण अगर SIR इफेक्ट होता है तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जो नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल है और जो यहाँ पे रिंग का ऑर्बिटल है, दोनों का प्लेन क्या होगा, प्लेन छोड़ चुका होगा, नॉट इन द प्लेन, तो हेंस क्या होगा, डीलोकलाइजेशन परफेक्ट नहीं होगा, डीलोकलाइजेशन का जो टेंडेंसी है डिक्रीज कर जाएगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो अवेलेबिलिटी था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो प्रेजेंस था वो नाइट्रोजन पे, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, यानी वहाँ वहीं पर रहेगा। इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आपका बेसिसिटी क्या होता है, आपका बेसिसिटी इनहेंस करेगा, आपका बेसिसिटी इनहेंस करेगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सारा कॉन्सेप्ट जो हमको जानना था इस पे SIR इफेक्ट पे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज ऐड कर ले, कभी कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर बात करें कि एनिलीन और NN डाइमिथाइल एनिलीन में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, ध्यान देना, जो NN डाइमिथाइल एनिलीन होता है ये सिस्टम, ये हमेशा बेसिक होता है किसके रिस्पेक्ट में, एनिलीन के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि एनिलीन में देखो, एनिलीन में भी रेजोनेंस हो रहा है और इस फिगर में भी रेजोनेंस हो रहा है, तो दोनों में रेजोनेंस कॉमन है, बट NN डाइमिथाइल एनिलीन में आपका दो मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा अटैच है, जिसका प्लस आई इफेक्ट होगा, जिसका अपना प्लस आई इफेक्ट होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा इंक्रीज कर देगा नाइट्रोजन पे इस प्लस आई इफेक्ट के कारण। अल्टीमेटली NN डाइमिथाइल एनिलीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एनिलीन से ज्यादा हो जाता है, तो ये आपका पूरा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनको ऐसे तो कॉन्सेप्ट से भी आप लिंक कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये रहेगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट। अब इस SIR इफेक्ट पे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो बच्चों लोग ये रहा आपका SIR पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, SIR इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस है, ध्यान देना। इसमें टोटल क्वेश्चन का नंबर आपके पास आई थिंक 14 है, एक सेकेंड। टोटल क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 है, ठीक है। आप इसको अरेंज करोगे अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी, यहाँ जितना क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको बेसिसिटी के अकॉर्डिंग आप अरेंज करो, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाओ, इस क्वेश्चन में फोकस करोगे, ध्यान देना, तो सबसे ज्यादा SIR इफेक्ट कहाँ दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा SIR इफेक्ट में आपको दो जगह कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान दोगे कहाँ का कन्फ्यूजन हो सकता है, तो एक आपको लगेगा कि इस नाइन्थ वाले में क्या है, बहुत बल्की ग्रुप एक जगह पे है, पर ध्यान देना जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ में क्या है कि दोनों साइड से इसको रिपेल करेगा, तो उसको और ज्यादा प्लेन से बाहर भेज देगा, ठीक है। तो नाइन्थ वाले में बहुत बल्की बड़ा ग्रुप अटैच है एक साइड में, और यहाँ पर ग्रुप थोड़ा छोटा है बट दोनों साइड से रिपेल करेगा, तो पांचवाई का जो SIR इफेक्ट है इसका सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। SIR इफेक्ट में देखोगे तो फिफ्थ नंबर मैक्सिमम होगा, तो फिफ्थ और सिक्स दोनों में SIR इफेक्ट है, दोनों में SIR इफेक्ट बराबर है, ठीक है। बट जो सिक्स में है, तो सिक्स में एक एक्स्ट्रा ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट है एक्स्ट्रा, ठीक है।
प्लस आई बोलो एन साथ में क्या होगा, प्लस एन की तरफ काम करेगा, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा तो एस आई एफेक्ट से क्या होगा, आपका डेंसिटी एन का इंक्रीज करेगा, यानी एन के पास डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बट आपका जो पारा पोजिशन पे जो सी थ्री उसका जो आई इफेक्ट और एम इफेक्ट होगा उससे भी क्या होगा, एन का डेंसिटी में और ज्यादा इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली छह नंबर का जो बेसिसिटी है वो मैक्सिमम होगा, तो सिक्स का सबसे बड़ा होगा, ठीक है। सिक्स के बाद क्या होगा, फाइव होगा, फाइव के बाद जाएगा नाइन, फाइव के बाद जाएगा नाइन, ठीक है। नाइन के बाद बात करते हैं, तो ध्यान देना नाइन के बाद सबसे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट कहाँ दिख रहा है आपको, यानी एस आई आर इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है आपको, इलेवन में दिखेगा, आपको इलेवन में दिखेगा, तो नाइन के बाद क्या होगा, इलेवन, ठीक है। इलेवन के बाद कहाँ पे आपको एस आई आर इफेक्ट दिख रहा है, तो आपको टू में दिख रहा है, टू में आपको दिख रहा है एस आई आर इफेक्ट, ठीक है। इलेवन के बाद क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू के बाद देखते हैं और कहीं भी एस आई आर इफेक्ट है क्या, तो टू के बाद देखो तो एस आई आर इफेक्ट और कहीं भी नहीं है, और कहीं भी नहीं है, तो टू तक में आपका सारा एस आई आर इफेक्ट खत्म हो चुका है। अब चलते हैं प्लस एम एन प्लस आई पे, प्लस एम एन प्लस आई पे, आपको पता है कि सारा का सारा अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप में जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ज्यादा प्लस एम पावर होता है, तो ध्यान देना आपका फोर नंबर में आपका तीन, आपका अल्फा एच तीन है, इसका प्लस एम पावर हाईएस्ट होगा, तो फोर नंबर आगे निकालेंगे, फोर के बाद किसको निकालेंगे, चलो फोर के बाद देखोगे तो अल्फा एच आपको दो अल्फा एच, आपका दो अल्फा एच का कंडीशन निकलेगा, आपका दो अल्फा एच का कंडीशन निकल सकता है, कौन सा निकला, चलो तो आपका 12 नंबर, 12 नंबर में क्या अल्फा एच दो है, ठीक है। फिर 13 नंबर में क्या अल्फा एच एक है, ठीक है, ये आपका प्लस एम पावर का चीज चल रहा है, तो 12 13 हो गया। 12 13 के बाद क्या होगा, अब आपका प्लस एम का पावर, प्लस एम का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो हम आते हैं प्लस आई इफेक्ट पे, तो प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम कहाँ दिखेगा, तो देखो 8 नंबर में, 8 नंबर पे मेटा पे अटैच है, तो मेटा पे देखोगे तीन कार्बन का चेन अटैच है, तो 8 नंबर होगा, 8 के बाद क्या होगा, आठ के बाद देखोगे तो 14 नंबर होगा, इसमें दो कार्बन का ब्रांच अटैच है, और 14 के बाद क्या होगा, 10 होगा, 10 में क्या मेटा पे क्या है, मेटा पे अटैच है एक कार्बन का चेन, यानी सी एच टू सी एच थ्री ग्रुप अटैच है, तो मेटा पे क्या होता है, मेटा पे आपका प्लस एम पावर काम नहीं करता, तो जो भी होगा प्लस आई इफेक्ट होगा, तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर दिए हैं, तो 10 हो चुका है। 10 के बाद क्या होगा, 10 के बाद तीन होगा, तीन होगा, तीन मतलब सी एच थ्री मेटा पे जो अटैच है, ठीक है। तीन के बाद क्या होगा, तीन के बाद होगा आपको सात, ठीक है। सात में क्या है, साथ में आपका कार्बन का ब्रांचिंग ज्यादा है, बट उसका डिस्टेंस क्या पारा पे है, इसके पास अल्फा एच जीरो है, इसका एम इफेक्ट नहीं होगा, इसका अल्फा एच चूंकि जीरो है, इसका एम इफेक्ट काम नहीं करेगा, जो भी काम करेगा उसका क्या करेगा, जो भी काम करेगा आई इफेक्ट काम करेगा, लेकिन चूंकि इसका इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, बट इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया, बाकी सारा मेटा पे था पारा पे चला गया, तो इसका पावर वीक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो आई इफेक्ट का पावर होता है वो डिस्टेंस से क्या होता है, डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सात नंबर को यहाँ प्लेस करोगे, और सात के बाद लास्ट फिगर क्या होगा, लास्ट फिगर आपका वन होगा, ये वन फिगर सबसे लास्ट में आएगा, ये हो गया आपका सारा क्वेश्चंस, ठीक है।